8-10 साल जब मैं एक्सपोर्ट्स का काम कर रहा था पापा के बिजनेस में, तो मुझे लगा कि भाई देयर इज ट्रेमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल है कि मैं कुछ और अपने आप को भी ट्रेन करूँ, कुछ नया एक्सपोजर लूँ। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो मम्मी और पापा बहुत बड़ा दिल रख के दे सेड कि आप जाओ। देखते ही देखते अपना खुद का घर बना लिया ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज लाइक अ ड्रीम थिंग। लेकिन जैसे ही एक कॉल आया इंडिया से, हमारी पूरी लाइफ बदल गई। पता चला फोन कॉल पे मम्मी से कि पापा को ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो इंडिया वापस आने के बाद अब कुछ ना कुछ यहाँ पे भी तो काम शुरू करना ही है। कई बार हम लोग बैठे बैठे फैमिली के फोटोग्राफ्स, पुरानी दिनों के याद करते थे, तब ख्याल मन में ये आया कि ऐसा कुछ चीज करें जिसमें नॉस्टैल्जिया हो, लोगों को अपने बचपन की चीज, अपने परिवार के साथ बिताया हुआ टाइम वापस याद आए। तो मैं अनुजा से वही बता कि आइस पॉप्स का काम क्यों नहीं करते, और इंडिया में तो आइस पॉप्स है ही नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के 2-3 महीने बाद ही अनफॉर्चुनेटली पापा चल बसे। आज हम यहाँ पर है शार्क टैंक के मंच पर, और उम्मीद करते हैं यहाँ से हमारे फादर के ड्रीम को, उनकी जो ख्वाहिश थी उसे पूरा कर पाए। ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं जब अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करता हूँ इंडिया से बाहर, ये वहाँ पे काफी चलता है। आपका टारगेट सेगमेंट बच्चे ही हैं? मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे हमारे टारगेट मार्केट है, लेकिन हमारा फर्स्ट कस्टमर इज 25 प्लस इयर्स ऑफ एज। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो स्कूल में से खा चुके हैं, एंड जब वो इससे कॉन्फिडेंट होते हैं, जब वो जाके अपने बच्चों को फैमिली में से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक बार बच्चों के हाथ में आ गया तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक, रिपीट ऑर्डर्स है ही है। Ravi, Anuja, firstly, of course, I love the branding. Skippy, the name, the branding is amazing. Thanks a lot. And pricing, 20 rupees for this is really good. Mera problem, since aap health ka bol chuke hain angle, so isme water ke baad dusra ingredient hai sugar. Very bluntly, if I put it, this is sugar water. ये एक fun product है। पहली बार तो हम इसे health product बोल के बेचते ही नहीं है। I agree with you, अगर आप sugar water बोलते हो, लेकिन हम इसमें ये बताएंगे कि ये जो फन और एक्साइटमेंट बच्चों में और बड़ों में लाता है, इट कनेक्ट्स यू बैक टू द ओल्ड मेमोरीज, और जो कलर और फ्लेवर इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो एक्चुअल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही होता है। तो मैं आपको बताऊं, जब कोई बोले हेल्दी नहीं है ना, आप बोलते करो हेल्दी नहीं है। जितने हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, उससे ज्यादा हेल्थ अनकॉन्शियस लोग हैं, वो खुश होते हैं। आपने सेल्स कितनी की है वो बताइए। नहीं, सेल पे मत जाओ पहले। क्यों? बाकी चीजें तो पता। अरे रुको ना, सेल्स कितने की है? आप उनको मना नहीं कर सकते, सेल बता। पिछले 6 महीने में करीबन 40 लाख का सेल कर चुके हैं। लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ हमने 7.5 लाख रुपए का सेल किया है। और प्रायर इन्वेस्टर है कोई आपके पास? नहीं, इट इज ऑल बूटस्ट्रैप। हमने खुद की फंडिंग जो ऑस्ट्रेलिया में पैसा लगाया है, हमने करीबन 55 लाख रुपए डाले इस मंथ तक। रवि, अनुजा, आई लव द प्रोडक्ट। श्योर, जैमी, I want to understand, what is your long-term vision for your brand and company? मैं पहले इसे 3-4 साल में इसे नेशनल ब्रांड बनाऊंगा और फिर इसे इंटरनेशनल ले जाऊंगा। मुझे पता है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इस ब्रांड की क्या वैल्यू है। और अनुजा, you want to say about your IPL thing? Indian cricket team should carry Skippy on their t-shirts. Wow, you want to make it that big? That big. ऐसा क्यों? Patriotism भी है और definitely cricket youngsters भी देखते हैं काफी, which is our target market again. One more question. आप अगर इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, बहुत सी ब्रांड्स आ जाएंगी, आपसे आधे प्राइस में बेचेंगी। You will need to have a competitive strategy. जो सॉफ्ट आइस आपको लग रहा है, ये हर टेक्नोलॉजी से होता नहीं है। So we have patented that to protect ourselves in terms of the quality that you are enjoying right now. आपका ये जो 20 रुपए का बेचते हैं, वो बनाने में कितना लगता है? अगर मैं इसमें पैकेजिंग कॉस्ट यानी प्राइमरी पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग, कार्टन भी जोड़ लेता हूँ, तो 5 रुपए में पॉप्सिकल बनता है। Wow. और होलसेलर को कितने में बेचते हैं? 13 रुपीज में मिलता है ये। फिर भी ठीक मार्जिन। Still pretty good. यार मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। ठीक है? अरे यार, I can offer बनाए। मैं आपको ऑफर करता हूँ, हाँ कि ना, आप मेरे को बता देना। I'll give you exactly what you want, 45 lakhs for 5%. And I won't wait long. I've invested in over 200 companies, built many brands. So that's my offer. मत सोचो, मना कर दो।
वन मोर ऑफर जी 5% के लिए 45 ऑफर किया है, वो हम 5% के लिए 60 लाख ऑफर कर रहे हैं और नमिता और मैं इसमें टुगेदर हैं, साथ में हैं। सो यू गेट टू शार्क्स। ग्रेट। चलो यार, दो ऑफर मिल गए आपको। आप और क्या बोल रहे हो? हम देने वाले थे पर वर्स ऑफर तो। Because I think it's not just a hobby, it actually starts becoming a passion. Jewelry ki tarah log use kar rahe hain aajkal sneakers ko, to usko dekh ke log influence hue ki haan yaar maine ye pehna hai. Agar aapne 2020 mein gold khareeda tha to uski percentage is way lesser than the percentage increase in these sneakers, definitely. The starting bid is 12K. 13. 13K. 16K. 17.5. Going once, going twice, and sold. जब हम बड़े हुए थे ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था और हमें ये चाहिए था, ये सिर्फ अमेरिका में होता था या सिर्फ बड़ी कंट्रीज में होता था, बट हम ये कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो आप स्नीकर्स को भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं एक स्नीकर हेड हूँ, मुझे स्नीकर्स का बहुत ज्यादा शौक है, बट मैं इतना लकी नहीं हूँ कि मुझे नाइकी से अर्ली मॉर्निंग स्नीकर्स रिटेल पे मिल जाए। सो आई हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट कि मैं रीसेल मार्केट से इन स्नीकर्स को खरीदूँ। सो रीसेल मार्केट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि एक रीसेलर से मुझे पर्टिकुलरली जो स्नीकर चाहिए वो मिलना जरूरी नहीं है, एंड अगर वो स्नीकर मिलता भी है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो साइज भी मुझे अपना मिले। अदर देन दैट, अगर मुझे सब मिल भी जाता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि हो सकता है उस स्नीकर के फेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा। सो शार्क्स, दिस इज वेयर फाइंड योर किक्स इंडिया कम्स इनटू द गेम। फाइंड योर किक्स इंडिया एक ऐसा रीसेलर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर लिमिटेड स्नीकर हर साइज में अवेलेबल मिलेगा और स्नीकर के फेक होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम हर स्नीकर को एक 20 चेक पॉइंट की लिस्ट से लेजिट चेक कर कर ही बायर के पास भेजते हैं। ऑल्सो अगर आपको कभी प्रॉफिट पर अपना स्नीकर बेचना भी हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना स्नीकर लिस्ट करके बहुत आसानी से बेच सकते हैं। फिलहाल हम इंस्टाग्राम पे ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी ऐप और वेबसाइट रेडी टू लॉन्च है। आसान भाषा में बोले तो हम स्नीकर्स और स्ट्रीटवेयर के हम फ्लिपकार्ट, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों की सारी नीड्स फुलफिल होती है। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी। वंडरफुल। तो हर्ष, दानिश और सिमर, आप तीनों का शार्क टैंक पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने जो वर्ड यूज किया स्नीकर हेड, मेरे घर में तीन है, मेरे हस्बैंड और दो बेटे, मैं तंग आ जाती हूँ यूएस से, सूटकेस भर भर के मैं स्नीकर्स लाती हूँ, तो ये बहुत ही अपकमिंग बिजनेस है। आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। ऑल ऑफ अस थ्री आर फ्रॉम लुधियाना पंजाब। हम तीनों 24 एज के हैं। वी आर एक्चुअली चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ओह वंडरफुल। मी एंड हर्ष आर फर्स्ट कजिन्स। ओके। कुछ पढ़ाई वढ़ाई की कि जूते बेचने निकल चले ऐसे? आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम लुधियाना ओनली, एंड आफ्टर दैट जीजीएस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम करी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक आईआईटी दिल्ली से की है। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन जीजीएस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा, इसीलिए जूते आपको पकड़ा है। शक्ल अच्छी है ना, सेंटर में कहते खड़ा है। शक्ल अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी है। वाह वाह। तो यार ये बिजनेस तो काफी अच्छा है। मैं इतने महंगे जूते नहीं खरीदे आज तक, बट मैं दुबई मॉल में भी गया, वहां पे एक एलिवेट शूज करके है, आप उसके अंदर जाओ आपको लगता है चल क्या रहा है, अलग ही दुनिया चल रही है, डिज्नीलैंड चल रहा है जूतों, जिसको जूते पसंद है तो मार्केट है। रणवीर सिंह की मूवी आई थी, मेरे को याद है, उसमें वो तिजोरी के अंदर से अपने स्नीकर निकालता है, रैपर होता है, गली बॉय, गली बॉयज। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि चलो वैल्यू भी होगी इनकी, कोई इसका सब कल्चर है, बट इंडिया में कितना बड़ा है और जो वो मार्केट है वो प्राइमरी मार्केट कितनी है और रीसेलिंग की मार्केट कितनी है, ये अगर आपको पता हो तो। इंडिया की ओवरऑल स्नीकर मार्केट तो अभी इस टाइम 9,000 करोड़ के बाद, बट जो उसकी रीसेलिंग मार्केट को अगर हम करें तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10-20% ऑफ दैट। जैसे आपने ये कौन से जॉर्डन हैं जो भी हैं आपके हाथ में? एयर जॉर्डन 6 ट्रैविस स्कॉट ब्रिटिश का के। हाँ, तो ये वाले जो है, और एक होता है नॉर्मल यार हमारे एडिडास के रनिंग शूज हो गए, और उनको हम उनको स्नीकर बोलते हैं। अब पता नहीं तुम बोलोगे कि अंकल बैठे हैं क्या बोल रहे हैं, तो सब कुछ इस 9,000 में कवर्ड है ना? यस। ध्यान से देखोगे तो आपने बाय सेल ट्रेड लिखा हुआ है,
तो एक तो जूते रख दो यार, बहुत अजीब लग रहा है पकड़ के बैठे तब से, है ना? अरे ये प्रीमियम जूते, इनको पकड़ने में भी एक शान होती है, करेक्ट ना? दे आर यू सो पकड़ लो फिर सबको दे दो एक। नहीं एक्चुअली दे आर वेरी हेवी। द क्वेश्चन मेरा चेन ऑफ थॉट, चेन ऑफ थॉट, यूज स्नीकर्स। नहीं वो बोल रहे थे कि हमने बाय सेल ट्रेड, हाँ, तीनों बाय सेल ट्रेड क्यों रखा हुआ है आपने? ऐसा दिखने में लगता है कि आप सेकंड हैंड बेचते हो क्या? ऐसा सच है? हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट प्लेस क्रिएट करी है, सुपर किक्स, वेज नॉनवेज और नाइकी, इन तीन प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया में स्नीकर्स रिलीज होते हैं फॉर रिटेल प्राइस। इनका 20,000 रिटेल है, ये 20,000 के वहां रिटेल हुए, एक मिनट में सोल्ड आउट हो गए, उसके बाद आए सेकेंडरी मार्केट में यानी रीसेल मार्केट में हमारे पास। फिर वो जो आप बेचते हो सेकेंडरी मार्केट में वो नया भी बेचते हो? सारे नए ही बिकते हैं भाई लोग, इनको आपका बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं मेरे पास पूरा समझ आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। सेल्स क्या है? एक्चुअली 8 months पहले अपनी मोनेटाइजिंग शुरू की थी, तो हमने अभी तक 26 lakhs पे रेवेन्यू किया है। लास्ट मंथ कितना की? लास्ट मंथ 3.5 lakhs। 3 लाख रुपए आप जिस कॉस्ट बता रहे हैं, जो प्राइस बता रहे हैं 20,000 रुपए का स्नीकर, मतलब 15-20 स्नीकर आप महीने के बेचते हैं? जो हमारी जीएमवी है, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो अराउंड 5.5 crores है। पिछले महीने तुम्हारा 3 लाख जो हुआ उसके अगेंस्ट कितने जूते बेचे, कितने के जूते बेचे? एक्चुअली शूज कई बार सीधे सीधे डील हो जाते हैं, बायर और सेलर आपस में बात करके ले लेते हैं, तो हम इतना ट्रैक वेबसाइट के बिना रख नहीं पा रहे हैं। करेंगे लेकिन वो फटाफट मेरे रैपिड फायर 3 questions आंसर करो। डू यू हैव अ प्राइम इन्वेस्टर? No. Yes or no? No. GC और net profit क्या है? Net profit ही है हमारा, मतलब basically 17 lakhs net profit है। Instagram पे कितने followers है? 40,000. Superb. Competition क्या है? We have few competitors, one or two. क्यों ज्यादा competitors नहीं है? छोटे resellers बहुत सारे हैं, जिनके पास बहुत थोड़ा थोड़ा stock है। If you check out our profile कभी, तो we have more than 4,000 sneakers listed on a single platform. कमलेश का घर किधर है? जुगाड़ू कमलेश का घर आगे से राइट लेना। ये कमलेश का घर किधर है? आगे जाके लेफ्ट मारने। जुगाड़ू कमलेश का घर किधर है? उधर है। उधर चलो चलो चलो। अरे भाई आप इतने लेट आए, कितना अंधेरा हो गया, जाने दो, चलो पहले आप घर में आ जाओ। चलो मुझे एक्टिंग, सिंगिंग और कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया जुगाड़ करने का बहुत शौक है, तो अब मैं आ रहा हूँ शार्क टैंक इंडिया में अपना नया जुगाड़ लेके। हेलो शार्क, मैं जुगाड़ू कमलेश। सो स्वीट। हेलो सर, मैं जुगाड़ू कमलेश। हेलो मैम। हेलो। मैं जुगाड़ू कमलेश। जुगाड़ू कमलेश। आपका नाम बहुत बढ़िया है, जुगाड़ू कमलेश। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड। मॉलीवुड मतलब मालेगांव, और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। क्या बात है। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक छोटा सा गांव है, देवरपाड़े बोल के, तो मैं वहां से आया हूँ। मेरा एक बड़ा भाई इंडियन आर्मी में, और मैं किसान हूँ। बड़ा भाई देश संभालता है और मैं खेती संभालता हूँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मेरा पूरा परिवार खेती करता है, जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरह किसान के लड़के को बोलना नहीं पड़ता है खेती करने का। नरू इकड़े रे। नरू शाक, आप जो ये टंकी देख रहे हैं, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है, तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें, जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है, क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना, वो पागल है जी, क्या है, कैसा है वो, तो क्या बताऊँ उसे, पूछो तो कुछ ही बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ, एक बात तो बोलता ही ना, पहली बात ना। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा,
ये रे बाळ, वाह, बड़े भाई का लड़का है। अच्छा, किती वर्षाचा है तो 21 वर्षाचा। हो का, मग बाळ का? तुम्ही मराठी? तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो। अरे वा, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे तुझी। ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं होता। मैं यहाँ तक पहुँच गया, उसे घर पे कैसे छोड़ के आया? ऐसा यार आना, रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू नरू ये, अरे ये रे पटकन। तो आप देख सकते हैं शख्स, 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। वाओ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इनोवेशन। शख्स, मैंने ये डिजाइन खुद किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है। कोई ड्रोन बना रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, बट अपने भारत देश में 70 प्रतिशत किसान है, उसमें से 50% है वो छोटे किसान है। तो मैम, छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन? छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना, तो मैंने ये चीज बनाई। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं तो मैं चेंज कर देता था, और बाद में ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल डिजाइन ये आया। और शैक्स, ये मल्टीपर्पज है, मतलब ये 2 या 3 काम कर सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके लिए मुझे बहुत इंजीनियर लोगों के कॉल आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुझे कॉल आए। इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह के आगे वाले व्हील घुमा सकते हैं। अच्छा, तो झुकना नहीं पड़ता? नहीं, कुछ नहीं। और आप जो ये डिजाइन देख रहे, ये जो डिजाइन, ये जो है ना, ये खुल जाता है, ये अलग हो जाता है। और खाली ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पे सर्च मार लो सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर। पर नरू, सॉरी कमलेश जी, कमलेश, मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप 7 साल ही बना रहे थे, आपने वो जैसे सूटकेस की ट्रॉली होती है वो क्यों नहीं बना ली? मतलब वो तो बहुत आराम से बना। मैम देखो, खेत के हिसाब से अभी ये जगह है ना, ये प्लेन जगह है मैम, यहाँ पे जो हम चलेंगे तो जमीन में पैर नहीं जाएंगे, तो ये जमीन में धंसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ट्यूबलेस टायर दिए मैम। बारिश का मौसम हो या हर मौसम में हम खेत में काम कर सकते, इसलिए मैंने वैसे डिजाइन किया है, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ और उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ। और मैंने ऐसे एक नहीं, 2-3 ऐसे चीजें बनाई है जिससे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। और ये जो चीज बनाई मैंने वो लाइट वेट है सर, इसका वेट भी कम है, क्योंकि किसान जब काम करता है तो इसे ढकेलने में कोई दिक्कत नहीं आई। और क्या होता है ना, खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता, कोई खेती करने के लिए तैयार ही नहीं सर, तो खेती कैसे करें? तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ज्यादा बारिश हो जाती है, सब फसल खराब, तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि एक माँ को बेच के कौन जी सका है, क्योंकि खेती हमारी माता है। हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधी खाएंगे रोटी बट खुश रहेंगे।